गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जी टाइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको जानकारी है कि एलटी का एग्ज़ाम बिल्कुल नियरेस्ट है, तो एलटी का जो पहला सेक्शन है 50 मार्क्स का, वो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बहुत ही अच्छा सा पेपर मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगा। वैसे तो ये क्लास ऑनलाइन सब्जेक्ट के साथ लाइव क्लास चल रही है, बट इसको मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा। तो देखा होगा कि उसमें 10 नंबर का जीके का सेक्शन दिया है और उसमें 10 नंबर का रीजनिंग का सेक्शन दिया है और 30 मार्क्स का उसमें सीडीपी है। तो जो जो सेक्शन सिलेबस में यहाँ खोले गए हैं, उस हर सेक्शन को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं शुरुआत करता हूँ। मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट जुड़ भी चुके हैं, ठीक, काफ़ी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो बहुत कूल होकर आपको आंसर देना है। तो कई बार आप लोगों से गलतियाँ ये होती है कि आप क्वेश्चन को प्रॉपर नहीं पढ़ते और गलत कर देते हैं। अगर इसी तरीके से यही रवैया रहता है तो पूरे पेपर में 3-4 क्वेश्चन आते हुए आप गलत करके आएंगे, जो आपको फाइट से बाहर कर सकते हैं। तो ज्योति जी, प्रणीता, मेघा, सुशील कुमार, शामी, गीता, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। अब मैं शुरुआत करता हूँ। बहुत ही शानदार पेपर है, बहुत ही शानदार पेपर बनाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु 2010 में किस समिति की सिफारिश पर घोषित किया गया था। तो आपने देखा होगा जो हमारे नेशनल सिंबल दिए गए हैं, तो वहीं से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बुक्स और राइटरों के नाम पूछे गए हैं, तो वहाँ पर एक बुक्स भी दी गई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स देखिए, माइनस मार्किंग जब रहती है तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं होता, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। अगर नहीं आता तो उसे छोड़ा जा सकता है। माइनस मार्किंग में ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो 4 विकल्प होते हैं, यदि आपको पता है कि 2 तो ये हो ही नहीं सकते, और सपोज दैट सी और डी नहीं हो सकते, ए और बी में कोई सा एक है, तो ऐसी स्थिति में आप रिस्क ले सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल भी रिस्क लेने का प्रयास न करें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर महेश रंगराजन समिति जो थी, महेश रंगराजन समिति, ये इसका आंसर दिया गया है यहाँ पर, महेश रंगराजन समिति। तो स्टूडेंट्स देखिए, ए इसका आंसर है, महेश रंगराजन। फिर मैंने देखिए, इकोनॉमिक्स में सी रंगराजन भी नाम सुना होगा आपने, मैंने वो डाल दिया। राज मन्नार कमेटी सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में मैंने वो डाल दिया, और वहीं पर संभवतः उद्योग और लघु उद्योग से संबंधित मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है, आबिद हुसैन कमेटी। तो इसका आंसर ए है। फिर यहाँ पर दिया है मिशन इंडिया के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर दिया है टू। तो देखिए, जो एपीजे डॉक्टर टू, जब आप लाइव में आंसर मुझे दे रहे हैं कविता जी, प्लीज क्वेश्चन का नंबर डालते चलेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। और टू का आंसर जो है एपीजे अब्दुल कलाम, ये मिशन इंडिया, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री का क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर क्या हो सकता है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन दिया गया है। भारत रत्न सबसे कम उम्र की आयु में, आप जानते हैं ये, हाँ, सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, इनकी एज उस समय 41 ईयर थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन प्रदान करता है। देखिए, यहाँ पर अवार्ड्स की बात की गई है, तो यहाँ पर यह नहीं पूछा जा रहा है। देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, जो फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन मैंने पूछ दिया कि कौन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर फोर, फोर का आप ए कह रहे हैं, और ए बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, ए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो होता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करता है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे। देखिए, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल, मैंने ये नहीं पूछा। देखिए, आप जानते हैं ये जो कॉमनवेल्थ है, जो ब्रिटिश उपनिवेश देश रहे हैं, उनके उनमें भाईचारा और बंधुत्व की भावना लाने के उद्देश्य से कॉमनवेल्थ गेम किए जाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर क्या हो सकता है, फाइव का आंसर देखिए 1930 है, 1930 एक बार देख लीजिए, आप सभी देख लीजिए, सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 30 है, ठीक है। सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, एक बार देख लीजिए, 1930। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, मैं कंप्लीट नहीं हूँ, कंप्लीट इस दुनिया में कोई नहीं होता,
कई बार क्वेश्चन बताने में गलतियां भी हो जाती हैं, तो यूट्यूब पे जब पेपर जाता है तो देखिए मैं और मेरी टीम कितना काम करती है, लोगों तक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं निशुल्क, थैंक्स नहीं लिखते लोग, अगर कहीं गलती होती है तो उसको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, गलतियां पकड़नी चाहिए, लेकिन अपनी भी गलती पकड़नी चाहिए, ठीक, अपनी भी गलती देखनी चाहिए। तो हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया है, भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र। तो दिल्ली में जिलों की बात की गई है, दिल्ली में कितने जिले हैं, ठीक, तो दिल्ली में 11 जिले हैं, ध्यान रखना है 20 का आंसर है। राष्ट्र का गांव यानी विलेज ऑफ नेशन उत्तराखंड की किस परियोजना को कहते हैं, उत्तराखंड के अंदर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं उसमें कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऐसा है जिसे हम विलेज ऑफ नेशन के नाम से संबोधित करते हैं, तो टिहरी परियोजना। सेने जी आपका आंसर सी आ रहा है और बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं सेने जी। हाँ अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर, कुमायूं परिषद का अंतिम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कुमायूं परिषद आप जानते हैं 1916 में संभवतः बनी थी, मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है, तो इसका अंतिम अधिवेशन कहाँ हुआ था, अंतिम अधिवेशन, तो देखिए पहला अधिवेशन जयदत्त जोशी के नेतृत्व में हुआ और अंतिम जो अधिवेशन था ये संभवतः मुकुंदीलाल इन की अध्यक्षता में हुआ था, और आठवें का जो आंसर होगा वो गौनिया धोली है, गौनिया धोली, ये गौनिया धोली रानीखेत में है, ध्यान रखना है। नेपाल के किस शासक ने कत्यूरी राज्य पर 1191 में आक्रमण किया और कत्यूरी शासक को पराजित किया था, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या इसका आंसर हो सकता है, हाँ नौवे का, हाँ नौवे का आंसर क्या हो सकता है, और सी इसका आंसर आप दे रहे हैं, कुछ लोग ए दे रहे हैं, नहीं नौवे का आंसर सी है, अशोक चल बिल्कुल राइट आंसर है, और इसी वर्ष क्या हुआ था, इसी वर्ष तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था है ना, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन सिटी, देखिए गोल्डन सिटी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है, गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी, बेस्ट परफॉर्मेंस आप लोगों का आ रहा है, इसी तरीके से करते रहिए, इसी तरीके से करते रहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का आप सी कह रहे हैं, सानिया जी आप ए कह रहे हैं, देखिए सानिया जी मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए डाला था, मैंने गोल्डन सिटी पूछा है, मैंने पिंक सिटी नहीं पूछा, पिंक सिटी और गोल्डन सिटी दोनों में अंतर होता है, पिंक सिटी के नाम से जयपुर जाना जाता है, लेकिन गोल्डन सिटी वो अमृतसर है, गोल्डन सिटी इसलिए है क्योंकि वहां पर गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, यानी सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया था और रणजीत सिंह ने उसके ऊपर सोने का कलश फिरवाया, ठीक है, इसलिए उसे गोल्डन के नाम से जाना जाता है। अब रीजनिंग के यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 नंबर की रीजनिंग, हर सेक्शन को टच किया गया है, हर टेस्ट, हाँ हर सेक्शन को टच किया गया है, क्वेश्चन आपके सामने है, 11 11 का क्या आंसर हो सकता है, यहाँ पर क्या आंसर आ सकता है, देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी आपको यहाँ डिस्कस करके दे देता हूँ, इन क्वेश्चनों में मैं आपका वेट नहीं करूँगा, अन्यथा बहुत टाइम लग सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए 7 × 7 क्या होता है, 49, और 49 जा कितना होता है, 36, 36 जा 18 होता है, और 18 जा 8 होता है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। अब मैं नेक्स्ट लेकर चलता हूँ, यदि राजेंद्र को कूट भाषा में, मैंने यहाँ पर लिखा है राजेंद्र, लिखा है RAJE JEND, RA, इसको हम क्या लिखते हैं राजेंद्र को, राजेंद्र को हमने यहाँ पर क्या लिखा है, QE JQ, इसको ये लिखा है, तो ठीक है, यानी जो तरीका यहाँ पर अपनाया गया है वो उसको हम क्या लिखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये 18 नंबर पे आता है, सबसे पहले इनके नंबर लिखते हैं, ये 1 पे आता है, 10 होता है, ये 5 होता है, ये 14 होता है, ये 4 होता है, 18 होता है, और ये 1 होता है, तो 18 में से मैंने 1 माइनस किया तो यहाँ 17 आता है, और 17 पे क्या आता है क्यू, यहाँ 10 में से 5 माइनस किया है और 5 पे क्या आता है ई, 14 में से 4 माइनस किया है 10, 10 पे जे आता है, और 18 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आता है क्यू, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर लेकर चलना होगा। जेड किस पे आता है, 26 पे आता है, ये 20 पे आता है, पी 16 पे आता है, ये 3 होता है, और ये 14 होता है, ये 7 होता है, ये 2 होता है, और ये 1 होता है, तो 26 में से 20 हम माइनस करेंगे तो 6 आता है, और 6 पे पोजीशन क्या आती है एफ, देखो एफ और कहीं है भी नहीं,
16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13 होता है, और 13 पे पोजिशन किसकी आती है, एम की। 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7, 7 पे जी आता है, और देखो फिर यहाँ ए, तो इसका आंसर ए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर रीजनिंग के अधिकांश क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने खुद से बनाए हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। ए बी का भाई है, सी ए का पिता है। क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर ए जो है, ए ए ए किसका भाई है, बी का, यानी ए क्या है, पुरुष है, लेकिन बी का कंफर्म नहीं पता है। सी ए का पिता है, सी, देखिए सी भी क्या है, ये भी पुरुष है, सी ए का पिता है। फिर डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, लेकिन डी ई का भाई है, इनसे क्या रिलेशन, अभी तक इंफॉर्मेशन कम्प्लीट इनकम्प्लीट है, तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ। डी ई का भाई है, यानी जो डी है, चलो मैंने लिख दिया डी ई का भाई है, यानी डी क्या है, लड़का, ई का भाई है। फिर वो कह रहा है ई बी की पुत्री है, ये जो ई है ना, ई ई किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, ठीक है, ई किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, यानी ये क्या है, महिला है। इतना यहाँ पर दे दिया गया है, ये यहाँ पर डायग्राम बन रहा है। तब डी का चाचा कौन है, डी, डी का चाचा कौन है, तो डी इसका भाई है, जो इसका चाचा होगा वही डी का होगा, इस, हाँ डी किसकी पुत्री है, इसकी, ठीक है, इसकी पुत्री है, ठीक। अब देखिए डी इसकी पुत्री है, तो ये पिता भी हो सकता है, और पिता का भाई क्या आएगा, चाचा आएगा, ठीक है। यहाँ कंफर्म नहीं दिया गया, ये महिला है पुरुष है, अगर ये, ठीक है, समझ गए, महिला है तो ये मामा हो जाएगा, अन्यथा चाचा, ए आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 13 का बी इसका आंसर था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा का परिणाम आया है, एक परीक्षा का परिणाम आया है, उसमें मनोज की रैंक शुरू से 6 है और अंत से मनोज की रैंक क्या है, 20 है, ठीक है। यानी एक क्लास में जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो मिस्टर मनोज की रैंक शुरू से क्या है, 6 है, और लास्ट से 20 पोजीशन पे आता है, ठीक है। लेकिन उस क्लास में 10 स्टूडेंट फेल हो गए हैं, यानी 10 स्टूडेंट और थे। तो बच्चों पहले तो इस पंक्ति में लाइन कितने लोग हैं, तो ये होते हैं 26, माइनस में 1 करूंगा, यानी लाइन में 25 स्टूडेंट हैं। माइनस 1 इसलिए करेंगे चूंकि मनोज को हमने लेफ्ट और राइट दोनों से काउंट किया है, लेफ्ट और राइट दोनों से काउंट किया है, तो इसमें 10 स्टूडेंट में और जोड़ूंगा, प्लस 10 इक्वल टू कितना आता है, 35, तो 35 इसका आंसर दिया गया है। फिर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, तीन लड़कों की औसत आयु, तो आपने सिलेबस में देखा होगा, सिलेबस में देखा होगा रीजनिंग में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, उसमें एक एज से संबंधित है। वो कह रहा है कि तीन लड़कों की औसत आयु 15 ईयर है, यानी तीन लड़के हैं जिनकी एवरेज आयु कितनी है, 15 ईयर है, ठीक। फिर उनकी आयु जो है, आयु आयु देखिए 3:5:7, ठीक है, ये उनका रेशियो है। तो बच्चों अगर टोटल आयु निकालेंगे तो अपॉन 3 इक्वल टू, है ना, तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, इसको हटा देता हूँ फिलहाल, तो इसकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, यानी ये जो है इनको हम प्लस करेंगे, टोटल टोटल जो इनका होगा 15 ईयर, ठीक है। वो कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद, पंद्रह वर्ष है, यदि उनकी आयु क्रम से 3, 5 और 7 है, तब सबसे छोटे लड़के की आयु क्या रहेगी, मुझे लगता है क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई है। चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन, औसत आयु 15 वर्ष है, तीन लड़कों की जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है, छोटे उनका सीक्वेंस ये दे दिया है, ठीक है। इनका टोटल कितना हो रहा है, इनका टोटल, इनका टोटल भी 15 हो रहा है, ठीक है। चलो 15 वर्ष एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, इनका 15 हो रहा है, एवरेज कितना है, 15। तो बच्चों यहां पर चलो आप देख लीजिए, 3 3 9, चलो बढ़ा के देख लेते हैं, ये अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये 9 आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा,
ये 21 हो जाएगा और इनका टोटल कितना आ रहा है 45। चलो इसका आंसर एक बार देख लीजिए, जो भी है 9 ये इसका आंसर है। फिर यहाँ पर एक विकल्प दिया गया है, वो विकल्प आपको देखना है। यहाँ 16वां जो क्वेश्चन ये दिया गया है, यहाँ 3 है, 15 है, 27, फिर यहाँ 6 है, 6 है, 6 है, ठीक ये है ठीक। फिर यहाँ 9 है, यहाँ 81 है, तो बीच में क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर क्या कर रखा है एक्चुअली में, इन दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस किया और उनका दोनों का एवरेज किया गया, ये या 2 से डिवाइड कर दिया। इन दोनों को प्लस किया और इनका एवरेज भी कह सकते हैं, या 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करूंगा तो 90 होता है, और 92 हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 45, इसका आंसर ये आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार देख लीजिए। 17 में कह रहा है NL। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, उनके नंबर लिखने होते हैं। तो N किस पोजीशन पे है, 14 पे है, और ये 12 पे है, ये 13 पे है, और ये भी 13 पे है, ये 12 पे है, और ये 14 पे है, ये 11 है, और ये 15 है। तो यहाँ पर क्या किया गया, जो शुरू वाला है इसमें से एक माइनस किया, इसमें से भी एक माइनस किया, इसमें से भी एक माइनस करेंगे, इस पे माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें और इसमें एक प्लस हो रहा है, फिर एक प्लस हो रहा है, फिर एक प्लस हो रहा है, और फिर एक प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 10 पे क्या आता है, J आता है, और 16 पे क्या आता है, P। तो इसका आंसर क्या है, C। तीन क्वेश्चन रीजनिंग के और हैं ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर आपका CDP का सेक्शन चलेगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में शुरू से 10वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में जब शुरू से चलते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, तो शुरू से 10वें अक्षर के, 10वां अक्षर क्या होता है, J के राइट ओर, इसका राइट किधर होगा, इधर। चौथा क्या होगा, तो 10 + 4 इक्वल टू क्या आता है, 14, और 14 पे क्या आएगा, N। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अनावश्यक देखिए, चलो क्वेश्चन नंबर 19, 19 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो एक पजल के रूप में इस क्वेश्चन को दिया जाता है, तो क्या इसका आंसर हो सकता है, चलो मैं इसकी कहानी सुना देता हूं। चलो चलो 19 का शीला राणा जी डी कह रही हैं। अच्छा शीला राणा जी, मेघा जी, वास्तव में इसका आंसर क्या होना चाहिए था, 19 का आंसर शीला मेघा, प्लीज स्पेशल सुनिए, और फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा समय जोक भी सुनाऊंगा। शीला ए आएगा, मेघा जी, मेघा जी एक्चुअली में कहावत कुछ इस तरीके से है, कहते हैं कि ये गांव में चोरी होती थी, तो चोरी जो भी करता था, हो सकता है कोई गांव का ही आदमी हो, तो गांव के सरपंच ने एक बैठक बुलाई, एक हॉल में बैठक चल रही थी, टाइम दिया गया 2 बजे 3 बजे जो भी दिया गया होगा, और गार्ड को गेट पर खड़ा कर दिया कि गेट मत खोलना, बिल्कुल मत खोलना गेट, ठीक, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। तो ऐसे ही गेट में कोई बाहर से आवाज करता है, टक टक की आवाज, अंदर से गार्ड कहता है, गार्ड जो खड़ा था चौकीदार, उसने कहा 12, तो बाहर वाले ने एक कहा 6, तो गार्ड ने सोचा कि अपना ही आदमी है, अपना ही आदमी है, गेट खोल देते हैं, चलो हो गया, खोल दिया। फिर अंदर बाहर से आवाज आती है, गार्ड ने कहा 6, तो उसने क्या कहा, 3, उसने सोचा अपना ही आदमी है, ठीक। फिर आवाज आती है बाहर से, उसने कहा क्या, 8, उसने कहा 8, तो बाहर वाले ने कहा 4, जैसे मेरी बहन ने कहा अभी कि 4 होना चाहिए, अधिकांश लोगों का आंसर 4 आ रहा है, तो गार्ड चिल्लाया कि चोर 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 चोर, क्योंकि उसे प्रॉपर कोड का नहीं पता था, जैसे मेरे भाई जयवीर सिंह को भी नहीं पता है, बहन गीता आर्या को भी नहीं पता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को डालने का एक रीज़न ये था बेसिकली, जो मैंने डाला है सिर्फ आप लोगों को जगाने के लिए। आप हर चीज़ को इतना इजी ले लेते हैं, बस सोचते ही नहीं है। जब भी किसी क्वेश्चन में नॉन ऑफ दिस दिया हो तो बहुत सोच समझ के क्वेश्चन डाला जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि यही आंसर हो। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा 12, 6, 6, 3 और 8, इसका आंसर क्या होना चाहिए, T, देखिए TWELVE, 1 2 3 4 5 6 आ गया ना। फिर 6 कहा SIX, 1 2 3, ये हो गया। 8 में क्या होता है, EIGHT,
1, 2, 3, 4, 5, तो इस क्वेश्चन का जो यहां पर आंसर आएगा वो ए इसका आंसर होगा। होगा या नहीं? होगा ना ये आंसर? तो देखिए, तो शीला आपको क्या बोलना था बेटे बहन, आपको ए बोलना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। वो कह रहा है ए बी सी चार स्टिक हैं, उनकी लंबाई अलग अलग है, ए की लंबाई डी से अधिक है, यानी ए की जो लंबाई है, ए किससे लंबा है, वो डी से लंबा है। फिर वो कह रहा है बी की लंबाई सी से अधिक है, यानी बी लंबा किससे है, सी से है, सी से अधिक है। वो कह रहा है डी की लंबाई 5 मीटर है, डी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर, 5 मीटर, डी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर, बी की लंबाई 4 मीटर है, ये जो बी है इसकी लंबाई 4 मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 5 मीटर का है, ये 4 का है, तो डायग्राम कैसे बनेगा, डी, यानी बी किससे छोटा है, डी से छोटा है, यहाँ बी आएगा और यहाँ क्या आएगा, सी। वो कह रहा है यदि डी की लंबाई 5 मीटर है, बी की लंबाई 4 मीटर है, तब सी की लंबाई क्या हो सकती है। तो इसका मतलब ये होगा कि सी की जो लंबाई होगी, सी किससे छोटा है, बी से, तो इससे कम होगी। तो इसमें देखिए जो लंबाई है वो सबसे कम किसकी है, 3, यानी बी की 4 है, तो सी की 4 से कम होगी, और 4 से कम ए की विकल्प यहाँ पर दिया गया है। आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका सीडीपी का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सीडीपी, सीडीपी का आंसर यहाँ पर क्वेश्चन, और बहुत ही एक जीत आईएएस में आप जानते हैं हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट अलग हैं, वो बात अलग है कि स्क्रीन पे अधिकांशतः मैं आता हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़े टीचर लोग पेपर बनाते हैं और उस पेपर को प्रेजेंट मैं करता हूँ। तो डॉक्टर सुशील मिश्रा बहुत ही बुद्धिजीवी, बहुत ही अनुभवी एक शिक्षक, उन्होंने पेपर को बनाया है। तो इसका आंसर क्या होगा, 21 का डी आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर। आगे स्क्रीन पर देखते जाइए और क्वेश्चन करते जाइए। हाँ, 22 का आंसर क्या हो सकता है, क्लेरिकल मिस्टेक यानी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 22, का ए आप कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। अब 23 का, विवेकानंद ने आध्यात्मिक ज्ञान हेतु निम्नांकित शिक्षण विधि का समर्थन किया था, तो 23 का आंसर क्या हो सकता है, मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है, तो 23 का आंसर आप बी कह रहे हैं। अभी तक जो आंसर आया था आरती भट्ट, आरती भट्ट का प्रदर्शन भी बहुत ही बेहतरीन है बेटे, ऐसे ही प्रदर्शन एग्जाम में भी करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, बुनियादी शिक्षा का आधार क्या है, 24 का आंसर क्या हो सकता है, 24 प्लीज क्वेश्चन का नंबर डालते रहेंगे गीता जी, 24 का जो आंसर मुझे बताया गया है, सर्वोदय दर्शन है, सी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्री अरविंद ने क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो सकता है, प्लीज देखिए 25 बहुत ही सोच समझ के करना है, 25 में सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। देखो ए आंसर है इसका, ए करेक्ट, इसका आंसर ए है। बहुत जल्दी मत कीजिए क्योंकि अभी आज से अपर पीसीएस मेंस की क्लास शुरू हो रही है 3 बजे से, तो मुझे स्क्रीन भी प्लेटफॉर्म भी छोड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो सकता है, डी इसका आंसर है, चलो ठीक कह रहे हैं आप, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, प्याजे, प्यांजे नहीं है, प्याजे हैं, चलो 27 का आंसर क्या हो सकता है, 27 का आंसर क्या हो सकता है, 27, चलो बिल्कुल ठीक आंसर आप दे रहे हैं। आर्मी वीटा किस प्रकार का परीक्षण है, आर्मी वीटा 28 पे आ जाइए, 28 का आंसर क्या हो सकता है, 28 देखिए
सैकड़ों लोग मेरे साथ जुड़े हैं। 28 का आंसर सी आंसर दिया गया है, ठीक। हाँ अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट 29, 29 का आंसर क्या हो सकता है? ट्वेंटी नाइन का आंसर क्या हो सकता है? आपके जो साथी हैं उन लोगों को भी आप बता सकते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेनिफिट होता रहेगा। 29 का आंसर जो आप दे रहे हैं ए आंसर दे रहे हैं, और बिल्कुल 29 का आंसर ए है, न कि सी। 30, थर्स्टन ने बुद्धि का निम्नांकित सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो कौन सा किया है? क्वेश्चन नंबर 30, 30, 30 का आंसर क्या हो सकता है? 30 का आंसर क्या हो सकता है? जहां तक मुझे आंसर दिया गया है, सी का आंसर दिया है। चलो बिल्कुल ठीक आंसर आप दे रहे हैं। अब 20 क्वेश्चन आपके पास और हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, यूजीसी। 31 का आंसर क्या हो सकता है? चलो बिल्कुल ठीक है। अब 32, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, यानी पाठ्यक्रम सिलेबस की विभिन्न संकल्पनाएं क्या हैं? तो तीन संकल्पनाएं हैं, एक विकल्प उसमें गलत दिया गया है। 32 का आंसर क्या हो सकता है? 32, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, देख लेना आप भी, सर से भी पूछ सकते हैं। वैसे इसका आंसर सने जी ने जो दिया है, और आप लोग जो दे रहे हैं बिल्कुल राइट दे रहे हैं, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन आप कर रहे हैं। अब ये वीडियो आज देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 33, 33 का आंसर क्या हो सकता है? 33, 33 का आंसर क्या हो सकता है? आप बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का सी आप कह रहे हैं, सोनिया जी सी आप कह रहे हैं। एट प्रेजेंट 62 मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं, 62 स्टूडेंट लाइव जुड़े हैं एट प्रेजेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 34, 34 का आंसर क्या हो सकता है? 34, 34 देखिए क्या आंसर हो सकता है। मैं आप लोगों के आंसर देख रहा हूं, लेकिन सभी के नाम बोलने नामुमकिन हैं। अगर किसी का नाम धीरेन्द्र मिश्रा जी, कविता जी, अगर किसी का नाम ना बोला जाए तो प्लीज़ नाराज मत होना, ठीक है? ऐसा क्योंकि स्क्रीन पे बहुत स्पीड के साथ चल रहे हैं आप लोग, तो सी आप 34 का आंसर सी कह रहे हैं आप। 34 सी, और बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं आप, सी। आप देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय शिक्षक पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2009 किसके द्वारा तैयार किया गया था? क्वेश्चन नंबर 35, 35, 35 का आंसर क्या हो सकता है? 35, शीला राणा ने तो सी का दावा कर दिया है, और आप 36। चलो फिर एक बात बताऊंगा मैं आपको, सीधे परिणाम द्वारा अनुशासन को किसने प्रतिपादित किया? 36, 36 का, 36 का आंसर क्या हो सकता है? सने जी सी कह रहे हैं, और सी तो इसका सबके आंसर अलग-अलग आ रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर सी ही है, प्रकृतिवादी। 36, ठीक। चलो अब चलो ठीक है, प्लीज 1 मिनट रेस्ट कर लीजिए। देखिए आपकी जो सीडीपी की क्लास चलाई गई थी, बहुत ही सावधानी बरती गई उस क्लास में। जब सर आपकी क्लास लेने आए, क्योंकि आपने जो बीएड में पढ़ा था उसका वो लेवल नहीं था, सर का लेवल बहुत हाई फाई रहा, आपने देखा भी होगा, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर थे, ये पेपर उन्होंने ही बनाया है। जो आपको ऑनलाइन भी जीता, इसमें कई सौ बच्चे थे, अगर आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 45 मार्क्स आपको पेपर में मिल जाएंगे इसी से। बस कहीं भी लैक नहीं करना,
उसके अच्छे से तैयार कीजिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? सब बेहतर हो जाएगा, डरना नहीं है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है? सीडीपी में नहीं, कहीं भी आरती बट प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? बहादुरों की तरह रहा करो, आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। द लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 37, 37 का आंसर क्या हो सकता है? 37, हाँ, ओके, थैंक यू। थर्टी टू का आपका अरविंद द्वारा बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं। 38 का आंसर क्या हो सकता है? 38, 38, 38 का आंसर क्या हो सकता है? आगे की ओर बढ़ते हैं। 38, 38 का आंसर, अब 38 का आंसर सबके अलग अलग आएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्रिया है, क्रिया। नहीं बीना रावत जी, सब एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्रिया। और जीत आईएएस के किसी भी एक्सपर्ट का यदि आपको नंबर चाहिए, ठीक है, किस तो जीत आईएएस ऑफिस का नंबर सभी के पास है, यहाँ स्क्रीन पे चल भी रहा है, ठीक है? ये फ़ोन मेरे ही पास रहता है, तो जिस कहीं दिक्कत होती है तो आप मेरे से नंबर ले सकते हैं, मैं एक्सपर्ट का नंबर दे दूंगा आपको। चलो 39, 39 का आंसर देखिए क्या हो सकता है। थर्नडाइक ने अधिगम के प्रभाव के नियम ने निम्नांकित में से किस प्रतिमान को प्रत्याशित प्रत्याशित किया? 39 का आंसर क्या हो सकता है? थर्टी नाइन का आंसर बी है, बी। आप 40 की ओर बढ़ते हैं। 40, 40 का आंसर क्या हो सकता है? 40, 40 पे आइए। 40 देख लीजिए, 40 का आंसर क्या हो सकता है? बी आप कह रहे हैं 40 का, लेकिन मुझे जो आंसर दिया गया है वो ए आंसर दिया गया है इसका। ए इसका आंसर है। अब 10 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी देखते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा का निहितार्थ है, निहितार्थ है। 41 का आंसर क्या हो सकता है? 41, 41 का आंसर क्या हो सकता है? 41 स्क्रीन पे देखिए, भुवन चंद पांडे जी, भुवन चंद जी, 41, 41 का आंसर क्या हो सकता है? देखो 41 का आंसर बी आ रहा है। अब देखिए 42, बुद्धि प्रजा के किस प्रकार के मापन हेतु इष्टतम आयु स्तर को संगत माना जाता है? 42 का आंसर क्या हो सकता है? 42, 42, 42 का आंसर डी। चलो ठीक आंसर दे रहे हैं आप, डी। अब देखिए 43, 43 को देखिए क्या आंसर हो सकता है? 43, 43 देखिए, 43 का जो आंसर दिया गया है वो बी है, बी, बी प्रश्नावली। परफॉर्मेंस अच्छा है आपका यार, एक दो क्वेश्चन तो देखिए 50 नंबर का पेपर है ना, 50 में अगर 10 भी आपके गलत हो रहे हैं, 10 में ढाई नंबर करते हैं तो 37.5 मार्क्स आ रहे हैं। तो जनरल बॉयज की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर आपके इधर 34-35 आ गए और 34-35 या 32-33 सब्जेक्ट में आ गए, तो 67-68 में सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा। चलो 44, 44 का आंसर क्या हो सकता है? 44 अच्छे से देखिए, 44 आप सभी का आंसर ए आ रहा है, 44 का है ना, लेकिन मेरे से भी गलती हो सकती है, सर ने जो आंसर की दी थी, ठीक है?
आंसर लगाने में मेरे से मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, लेकिन मुझे जो मुझे लग रहा है, अब उन्होंने हो सकता है ए विकल्प दिया हो और मेरे से भूल से डी लग गया हो, तो मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन मेरे क्वेश्चन पेपर में जो मैंने खुद लगाया था वो मैंने इसका आंसर 44 का वो डी लगाया, मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है। एक बार ए योग्यता हो, है ना, चलो हो सकता है गलती होगी, कोई बात नहीं, सो सॉरी, ए पे लगा लीजिए, फिर भी अगर डाउट करना हो तो आप मेरे को फोन करके पूछ लेना। चलो ए ए, चलो डन हो गया ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। 45 मुझे तो ए दिया गया था, तो मैं आप लोगों को चैलेंज नहीं करता क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है और आप लोग यूथ हैं, तो आप तो बेहतर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, 45 का आंसर क्या हो सकता है? हाँ, फोर्टी फाइव का आंसर यहाँ पर बी है, ये ध्यान रखना है, 45 का आंसर बी है, बी। अब मैं लेकर चलता हूँ, एक तो इसके यहाँ टर्मोलॉजी बहुत ही टफ है हिंदी मीडियम में। पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया का निम्नलिखित में कौन सा एक अनिवार्य घटक है? क्वेश्चन नंबर 46 का क्या आंसर हो सकता है? 46, 63 स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, तो 46 का आंसर क्या हो सकता है? 46, फोर्टी सिक्स का आंसर सी कह रहे हैं आप, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। आगे देखते हैं, आप देखिए 47, आधुनिकीकरण से तात्पर्य क्या है? 47, 47 का आंसर क्या हो सकता है? 47, 47 का जो आंसर हो सकता है, 47, वंदना बिस्ट जी 47 पे पहुंच गए हैं, 47 का आंसर क्या हो सकता है? 47 का आंसर आप बी कह रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट, गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य क्या है? 48, गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य क्या है? चरम लक्ष्य क्या है? फोर्टी सेवन नहीं, 48, 48, चलो अब चलो ठीक है, लेकिन 48 का आंसर सबका आंसर ए आ रहा है, 20 का आंसर है बी, बी देख लीजिए, 20 का आंसर है। 49 पे आ जाइए, दो क्वेश्चन बचे हैं। श्री अरविंद के मानस के विचार से तात्पर्य है कि 49, 49 का आंसर क्या हो सकता है? दो क्वेश्चन बचे हैं, 49, 49 का जो आंसर है, 49 का आंसर, 49, 49 का जो आंसर है फोर्टी नाइन, चलो देख लीजिए इसका आंसर भी बी, एक बार विचार कर लीजिए इस पे, बिल्कुल सही आंसर है बी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, क्या आंसर इसका हो सकता है? भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती, इस कथन का समर्थन प्राप्त होता है? 50 का आंसर क्या हो सकता है? 50, 50 का आंसर लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में बाजी मारनी है, जैसे लास्ट बॉल पे कई बार हम सिक्स मार देते हैं, और गजब परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं, आप देखते हैं मैंने ये बोल के क्या किया है, सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। 50 का आंसर प्रयोजनवाद, गीता आर्या कह रही हैं प्रयोजनवाद, और प्रयोजनवाद सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, कुछ लोग यथार्थवाद कह रहे हैं। चलो प्रयोजनवाद पे एक बार देख लीजिए, प्रयोजनवाद इसका आंसर है। चलो तो स्टूडेंट्स देखिए,
मैंने कुल मिला के हर स्टूडेंट्स पर मेरी नज़र थी यहाँ पर, कोई भी कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों न हो, पूरा पेपर किसी से सोल्व नहीं होता। जब हम पेपर को अपने घर में देखते हैं तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में देखते हैं तो हमारे ऊपर एक एग्जाम का प्रेशर रहता है, तो कुछ गलतियाँ भी होती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अधिकांश स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस देख रहा था कि कम से कम 41 उसने ठीक किए हैं, और पेपर बहुत इजी नहीं है। बिल्कुल पेपर का पैटर्न वही है जो कमीशन आपको देगा, और अगर 40 इसमें आप सही कर ले रहे हैं, 10 गलत कर ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि भविष्य में भी आप ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन जीत आई इसका परचम फहरना चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।